हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज। और आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। जो मैंने कुछ दिन पहले कॉन्टेस्ट किया था ऑनलाइन, उसमें बहुत सारे लोग मेरे पास रिजल्ट बेसिकली आ चुके हैं। और मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, भाई मैंने साफ तौर पे कहा था कि आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग उस कंटेस्टेंट का नाम देंगे जिसका ऑडियो आपको बहुत अच्छा लगा, जिसकी स्क्रिप्टिंग आपको, जिसका जॉनर, जिसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी। कितने लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बताया, ये बताइए जरा आप मुझे। वो लोग बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि सर रिजल्ट नहीं आया, आपने 15 तारीख को बोला था, आज 16 हो गई, 17 हो गई, 18 हो गई, तो आज 19 हो गई, आप रिजल्ट कब अनाउंस कर। अरे भाई, रिजल्ट आपने अनाउंस करना था। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग रिजल्ट अनाउंस नहीं कर पाए हैं तो कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है। और ड्रॉप बॉक्स का लिंक अभी भी आप लोगों के पास में है, ड्रॉप बॉक्स के जो ऑडियोज है अभी भी आप लोग के पास में है, उसमें बहुत सारे लोगों ने, कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और चलिए मैं अब उसमें से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या था कि मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन दो थे, लेकिन मुझे जो विनर चुनना था, जिसको दो टिकट्स मूवी के मुझे देनी थी, वो एक ही है। और वो कौन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए उनके बारे, तो थोड़ा सा सब्र करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और जो मुझे सबसे अच्छे लगे मेल्स वर्जन में एंड फीमेल्स वर्जन में, मैं उनके बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। किन लोगों के मेल्स में ड्रॉप बॉक्स या किन लोगों के ऑडियोज या मेल्स में मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उन लोगों को ड्रॉप बॉक्स में अपलोड नहीं कर पाया, उसकी वजह सुन लीजिएगा। सबसे पहले 29 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मुझे ऑडियो मेरा प्ले हुआ ही नहीं, ऑडियो कन्वर्ट हुआ ही नहीं। वो पता नहीं मोबाइल से उन्होंने किस तरीके से, मैंने साफ तौर पर कहा था कि MP3 फाइल मुझे चाहिए है, अगर आप लोग MP3 फाइल दे पाएंगे तो ही मैं उसको अपलोड कर पाऊंगा। और चलिए अगर MP4 भी आप लोगों ने दी होगी तो मैं उस वक्त अजीब अजीब तरह की फाइल्स, न्यूरो बर्निंग रूम, पता नहीं कौन कौन से फाइल्स मुझे दे रहे हैं, और अजीब ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल, इतना ज़्यादा ऑडियो लो है कि वो समझ ही भी नहीं आ रहा है कि बेसिकली कह क्या रहे हैं। तो 29 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसमें से 9 फीमेल्स थी ऑल ओवर इंडिया से, इवन इंडिया के शायद बाहर से भी होंगी, और 20 ऐसे मेल आर्टिस्ट थे। मैं सबको आर्टिस्ट कहूंगा क्योंकि उन लोगों ने अगर मुझे ये एफर्ट अगर उन लोगों ने किया है तो मैं उन सब लोगों को आर्टिस्ट कहूंगा कि जिनके ऑडियो प्ले हुई नहीं। मैं माफी चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब अगस्त में मेरा कॉन्टेस्ट जब आएगा तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। मैं कैसे कन्वर्ट की जाती है, कैसे अपलोड की जाती है, किस तरीके से हम अगर कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी ने कहा कि आप अपने मोबाइल से ऑडियो करके क्लिक करके रिकॉर्ड करके भेजिए, तो वो आप कैसे भेजेंगे, इन सब चीजों के बारे में मैं भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि किसी भी कॉन्टेस्ट में जब आप लोग पार्टिसिपेट करें तो एटलीस्ट उस ऑडियो के बारे में आपको पता रहे कि अगर मैं मोबाइल से भी भेज रहा हूं, मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे फाइल चाहिए कौन सी है। दो ऐसे मेल्स थे और दोनों वो फीमेल है, उनके मेल है जिसमें फाइल अटैच है ही नहीं। एक थी समायरा जो बैंगलोर से थी और एक थी नीलमा अय्यर जो मुंबई से हैं। अब आप दोनों लोग अपना नाम अगर सुन रहे होंगे तो आप लोग ये जान लीजिएगा फाइल अटैच नहीं थी। मैंने उनके मेल पे वापस से रिप्लाई किया था कि योर ऑडियो फाइल इज़ नॉट अटैच इन दिस मेल, तो आप फिर से मुझे फाइल अटैच करके कर दीजिए, तो बट उन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं उन लोगों को ले नहीं पाया। लेकिन इन दोनों लोगों के नाम मुझे लेने इसलिए ज़रूरी थे ताकि उनको ये पता लगे कि अगर फाइल अटैच है ही नहीं तो मैं कैसे डालूंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये रहा, ये कॉन्टेस्ट जो था वो मैंने 12 जुलाई को एंड होना था, शाम तक मेल मेरे पास आते रहे, और कुछ मेल्स ऐसे भी थे जो 12 तारीख की एकदम सुबह सुबह मेरे पास में आया, यानी कि 13 तारीख की सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे आए, तो मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें से कुछ लोग थे। और आज की डेट में रिजल्ट अनाउंस होने हैं, और वो भी रिजल्ट भी मेरे हाथ में है, आप लोग पढ़ने में नहीं आएगा, मेरे पास है। 24 तारीख को मूवीज़ के टिकट्स को अवेलेबल हो जाएंगे, और रिजल्ट में जो सबसे पहले मुझे जो काफ़ी सारी, अच्छा मैं ये बताता हूँ सब लोगों को कि टोटल फीमेल्स में 13 ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनका ड्रॉप बॉक्स में ऑडियो गया, उसमें से 4 मुझे ठीक ठाक लगे, ठीक है, और जिसमें से हो सकता है कि वो विनर हो उनमें से। पहला नाम है सरिता भारद्वाज जी का, अच्छा अटेम्प्ट किया है इन्होंने। दूसरा है रागिनी सक्सेना का, इनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मेरे बाकी जो दो मेंबर है उन लोगों ने सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा था ठीक है, इसने कम से कम अपनी उस टोन को पकड़ा, उस डर को उसने पकड़ा, ठीक है, जैसा मुझे फीडबैक मिला। अर्चना ओझा, ठीक है, इन्होंने सबसे अच्छा काम किया, इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी लगाई थी, इन्होंने थोड़ा सा मेहनत की थी उस चीज़ के पीछे, अपने ऑडियो के पीछे। और दूसरा है अनुपमा कृष्णा स्वामी, इन्होंने भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई थी। ये चारों मुझे, इन 13 में से 4 जो थे मुझे ठीक लगे। अब मेल वर्जन में हम लोग सुन लेते हैं क्या है। एक है जामा मी जय, आई थिंक उनका नाम ऐसा है, मैं पता नहीं कि मुझे, मैं ले नहीं पा रहा उनका नाम क्या है। दूसरा है एक हमारा जोगिंदर गोयत। तीसरा है मोहित प्रभाकर,
जिसका अभी मैंने एक ऑडियो दूसरी जगह एक ऐड के लिए भेजा भी था, मैंने आपसे बोला भी था कि वो लिंक हो सकता है कि कुछ बड़े ऐसे लोग भी सुने जो एड्स बनवाते रहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री जो कॉर्पोरेट मूवीज बनवाते रहते हैं, हो सकता है कि उनके पास जाए। तो मोहित प्रभाकर, आपका ऑडियो गया था, अब क्या होगा आगे का रिजल्ट मुझे नहीं पता। एक है राहुल जैन, इनका मैं एक कमेंट देना चाहूंगा, बहुत फास्ट है बट ये 17 में से 6 लोगों में से हैं। दूसरे हैं रोहेल खान, ये पाकिस्तान से हैं, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, मैं ये कहूँगा कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी आवाज़ उनकी है। और यू नो, लेकिन उनकी जो टोन है वो बेसिकली सिंधी और पंजाबी मिक्स है, तो ऑफिस को ऑफिस इन्होंने कहा है, और कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो सही नहीं कह पाए, बट 6 लोगों में से ये है। फिर हैं शुभेंदु मुखर्जी, शुभेंदु मुखर्जी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि उसने थोड़ा सा एफर्ट किया था, उसने एक ऑफिस का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो मुझे पॉइंट्स मिले थे, जो हम तीनों लोगों ने, जो मेरे साथ जो लोग हैं जिनको मैंने ऑडियो सुनाए थे और ड्रॉपबॉक्स का लिंक भी दिया था, उन लोगों ने सबने सुने, उसमें से 4 फीमेल्स, सरिता भारद्वाज, रागनी सक्सेना, अर्चना ओझा, अनुपमा कृष्णा स्वामी, ये 4 लोग हैं, इसमें से कोई भी विनर हो सकता है। मेल्स वर्जन में जामा मी जय, दूसरा है जोगिंदर गोयल, तीसरा है मोहित प्रभाकर, चौथा है राहुल जैन, पांचवा है रोहिल खान, और छठा है शुभेंदु मुखर्जी। और बाकी जितने भी लोग थे, वो ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं किया, उन लोगों ने अच्छा किया होगा, बट ये लोग आपसे बेस्ट थे, तो अगली बार हो सकता है कि आप लोग और बेस्ट करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से और जो मेरे बाकी के 2 लोग थे उनके हिसाब से, हम लोग का विनर कौन है, टक 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 टक, कौन हो सकता है? क्योंकि ये जुलाई का फर्स्ट कॉन्टेस्ट है, इसके बाद अगस्त का कॉन्टेस्ट आएगा। और मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करिए कि मैंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, रिजल्ट आप लोग को अनाउंस करने थे। खैर, तो चलिए काम करते हैं, कॉल करते हैं और देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा है, रिएक्शन कैसा है। एंड मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको, तो कॉल की जाए। और जो विनर है वो है, सरिता भारद्वाज भी हो सकती हैं, रागनी सक्सेना भी हो सकती हैं, राहुल जैन भी हो सकता है, जोगिंदर भी हो सकता है, मोहित प्रभाकर भी हो सकता है, शुभेंदु मुखर्जी भी शायद हो सकते हैं। तो विनर कौन है? विनर है शुभेंदु मुखर्जी। आप लोग ड्रॉप बॉक्स पर जाके उसका ऑडियो सुनिएगा, उसने मेहनत की है, आवाज़ उसकी अच्छी है, उसका टोन अच्छा है, उसने टोन पकड़ा भी है, कुछ जगहों पे उसने डिक्शन में भी प्रॉब्लम की है, बट मुझे जो बाकी के 17 लोग थे और इधर 13 लोग फीमेल्स थी, उसमें से मुझे शुभेंदु मुखर्जी का ऑडियो सबसे अच्छा लगा। तो एक बार सब लोग क्लैप करेंगे शुभेंदु मुखर्जी के लिए, और चलिए शुभेंदु मुखर्जी को कॉल लगाई जाए। हेलो, इज दिस शुभेंदु मुखर्जी? हाय शुभेंदु, दिस इज अहमद हुसैन फ्रॉम एमयू स्टूडियोज लखनऊ। शुभेंदु, तुमने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था ना कुछ दिन पहले? जी सर किया था। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सर सब लोग। रिजल्ट का तुम वेट क्यों कर रहे हो यार? तो तुम्हारा नाम तो है नहीं उसमें, तुम फिर क्यों वेट कर रहे हो? नहीं, मुझे जानना है कौन जीता। तो क्या करोगे तुम जान के यार? बस ऐसे ही सर, पता तो बड़े अच्छा लगा कि कॉन्टेस्ट हुआ पहली बार ऑनलाइन। तो देखो शुभेंदु, होता रहता है सारी चीज़ें। देखो, मैंने 3 लोगों को डिसाइड किया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, उसमें से मैं 3 लोगों का बेसिकली अभी मैं वो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो कुछ देर बाद आने वाला है आप लोगों के पास में, उसमें से 3 लोगों को मैंने कॉन्टेस्ट में लिया। वैसे तो काफ़ी सारे लोग थे बट 3 लोगों को मैंने सोचा कि जिसमें से वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड की रैंक में आ सकते हैं। तो हाँ भाई शुभेंदु, तो कैसे रिकॉर्ड किया था, क्या तुम्हें क्या फील हुआ था कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, उसमें तुम्हें क्या समझ में आया था, स्क्रिप्ट को क्या समझा था तुमने? पहले तो मैंने स्क्रिप्ट उसको लिखा, पहले अपनी कॉपी के अंदर लिखा, फिर वो आपने जो रेफरेंस दिया था मैंने उसको देखा, फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था। स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा था, स्लाइड जा रहा था वो, फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ इमोशन के बिना तो ये मुझे लगेगा ही नहीं कि नहीं ये कोई इंटरव्यूशन है, एक इंटरव्यू। तो मैंने पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया था स्टार्टिंग है, फिर मुझे लगा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, मतलब क्यों ना कुछ इसमें कुछ इस तरह से बेस्ट करा जाए कि अच्छे एक्चुअल में लगे कि इंटरव्यू चल रहा है और मतलब वो एक मोमेंट क्रिएट हो जाए। तो घर वालों को तुमने बताया कि तुम ये करना चाह रहे हो? हाँ सर, मैंने बताया। तो क्या बोले वो मुझे करना है? तो घर वालों ने बोला, अब सर देखो इतना इसकी अवेयरनेस भी नहीं है, जो बोलते क्या वॉइस ओवर, क्या मतलब क्या डबिंग मिलने की समस्या है,
मैंने बोला इस तरह से होता है और मुझे करना है, तो उसमें मुझे यही कहा गया कि ठीक है आप अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कीजिए। चलो तो शुभेंदु तुम्हें काम करना, शाम को ये वाला वीडियो जो मैं भी अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, वो तुम अपने घर वालों को दिखाना और बताना कि तुम्हारा लड़का विनर हो गया है। जी शुभेंदु जी, आप हमारा जुलाई का कॉन्टेस्ट जीत चुके हैं और मेरे मेरे हाथ में रिजल्ट है, और आपका ये ऑडियो भी मैं अभी उस वीडियो में अपलोड करूंगा, और आपका फोटोग्राफ भी जो आपने मुझे भेजा था जिसमें आपने मफलर वगैरह कुछ लगाया हुआ है, वो मैं इसको भी अपलोड करूंगा। और ये वाला वीडियो आप अपने घर वालों को ज़रूर दिखाइएगा और उनसे बताइएगा कि वॉइस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम वो कर सकते हैं जो हम कभी नहीं थे। हम वो बन सकते हैं, हम सुपरमैन बन सकते हैं, हम स्पाइडरमैन बन सकते हैं, हम हीमैन बन सकते हैं, हम किसी यू नो एक हीरो बन सकते हैं, हम एक विलन बन सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम कभी भी नहीं हो सकते। चलिए ठीक है शुभेंदु जी, बहुत 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 मुबारक हो कि आपको ये सुपर 32 मूवीज के टिकट दिए जा रहे हैं। आप मुझे, मैं आपको शाम को कॉल करूंगा एंड प्लीज आप मुझे बता दिएगा कि वो मूवी हॉल कौन सा होगा, तो ताकि मैं उसके टिकट्स बुक करा के आपको फॉरवर्ड कर सकूं। तो ये चैनल मैंने बनाया था राइट टैलेंट को हमारे क्लाइंट से मिलवाने के लिए, तो मैं शायद उसमें थोड़ा सा कामयाब रहा हूँ, थोड़ा सा। और चलिए मुझे दीजिए इजाजत, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वक्त में हमारा जो कॉन्टेस्ट आए तो वो सबसे पहले आपको पता चल जाए और उस पर आप लोग एफर्ट करना शुरू कर दें। तो शुभेंदु जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इस पर्चे का कोई काम अब नहीं है और ये खत्म हो चुका है, और मैं आप लोगों सब लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वो लेट इस वजह से हो गया क्योंकि आप लोगों ने मुझे रिजल्ट दिया नहीं, मैं तो ये सोचा था कि आप लोग मुझे रिजल्ट देंगे यार, और उसके बाद फिर जब नहीं दिया आप लोगों ने तो मैंने सोचा कि चलो हम ही लोग अपना एक छोटा सा पैनल बनाते हैं और उस पैनल बनाने के बाद में उस रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। पीछे बैठे हैं कैमरे के पीछे वो दोनों लोग भी बैठे हुए हैं जो बेसिकली जिन्होंने ऑडियो सुनी थी, और मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।